गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर ट्वेल्व द सोलर सिस्टम आज मैं आपको चैप्टर ट्वेल्व द सोलर सिस्टम एक्सप्लेन करूँगी ओके लेट्स स्टार्ट लेटेस्ट नो हम इस चैप्टर में जानेंगे अबाउट द स्टार्स स्टार्स के बारे में अबाउट द प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के प्लानिट्स के बारे में अबाउट द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट्स के बारे में अबाउट द आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर्टिफिशियल सेटेलाइट के बारे में एंड अबाउट द सीजन और सीजन के बारे में स्टार्स स्टार्स आर ही बॉल्स ऑफ हॉट फ्लोइंग गैसेस तारे क्या है एक गर्म प्रवाहित गैसों के विशाल गोले हैं बहुत बड़े बड़े गोले हैं गर्म गैसों के दे आर वेरी बिग इन साइज बट वेरी फार फ्रॉम अस वे साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं मगर हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं सो दे सीम टू वेरी स्मॉल तो इसी वजह से वे बहुत ज्यादा छोटे लगते हैं सम ऑफ देम आर वेरी बिगर देन आवर सन कुछ तारे बहुत ज्यादा बड़े हैं हमारे सन से भी ज्यादा बड़े द सन इज ऑल्सो अ स्टार सन भी क्या है एक स्टार है देर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई विद प्लानिट्स अनगिनत तारे हैं जिनके चारों ओर क्या घूमते हैं ग्रह घूमते हैं प्लानिट घूमते हैं प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड आर वेरी हॉट सारे स्टार्स अपनी खुद की रोशनी रखते हैं और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं प्लानिट प्लानिट इज अ बिग बॉल ऑफ रॉक्स प्लान क्या है एक बहुत बड़ी सी बॉल होती है रॉक्स की पत्थर टाइप की इट डज नॉट हैव लाइट एंड हीट ऑफ इट्स ओन उसके पास अपनी प्लानिट के पास अपनी ना तो लाइट होती है तारे की तरह जैसे तारे की अपनी लाइट होती है और ना ही अपनी गर्मी होती है हीट भी नहीं होती है प्लानिट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन दैट्स वाई दे अपीयर इन द स्काई प्लानिट्स क्या रिफ्लेक्ट सूरज की जो रोशनी से रिफ्लेक्ट होते हैं उनकी रोशनी लेते हैं इसी वजह से वो आसमान में हमें दिखाई देते हैं the word planet means the wanderer. Planet का means क्या है? Wanderer. Wanderer means या यात्रा करने वाला क्योंकि प्लान कंटिन्यू ऐसे घूमते रहते हैं अ प्लानिट मूव्स अराउंड स्टार अलोंग अ फिक्स्ड पैथ कॉल्ड एन ऑर्बिट एक प्लानिट जो होता है वो तारे के चारों तरफ एक फिक्स्ड पैथ पर एक फिक्स्ड रास्ते पर ऐसे घूमता रहता है जिसे क्या बोलते हैं ऑर्बिट अ प्लैनेट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार इन मैनी वेज प्लैनेट जो है वो बहुत अलग होता है स्टार से बहुत अलग अलग तरीक़ों से अलग होता है प्लैनेट अलग होता है और स्टार अलग होता है अ प्लानिट इज स्मॉलर देन अ स्टार एक प्लानिट जो है वो छोटा होता है स्टार से द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ऑल्सो अ प्लानिट जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो भी क्या है एक प्लानिट है सोलर सिस्टम द सन द एट प्लानिट एंड दियर मूनस नेचुरल सैटेलाइट जो होती है टूगेदर मेकअप द सोलर सिस्टम क्या क्या मिलकर सोलर सिस्टम बनाता है सूरज और उसके एट प्लान और उसके मूनस जो कि नेचुरल सेटेलाइट कहलाते हैं वो सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं सोलर सिस्टम आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज गैलेक्सी से मिल्की वे भी बोलते हैं हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किसका पार्ट है एक बड़े बहुत बड़े गैलेक्सी का जिसे मिल्की वे भी बोलते हैं अ गलेक्सी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स गलेक्सी क्या है बहुत बड़ा लार्ज कलेक्शन है स्टार्स का प्लानट एंड अदर हैली बॉडीज उसमें प्लानिट्स भी हैं और दूसरी हैवनली बॉडीज भी हैं ऑल द प्लान रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन सारे प्लानिट्स किस चीज़ से चमकते हैं कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट से द एट प्लानिट्स आर एट प्लानिट्स देखते हैं हम कौन कौन से हैं मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून देर आर टू अदर डॉर्फ प्लानिट्स इन द सोलर सिस्टम दो और भी बॉने प्लानट्स हैं डॉर्फ मीनस बोने छोटे प्लान हैं बौने प्लानिट्स हैं सोलर सिस्टम में जो है सीरीज एंड एरिस यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट में देखते हैं अर्लियर प्लूटो वॉज द नाइन्थ प्लान ऑफ द सोलर सिस्टम अभी तो ये एट प्लानिट है मगर पहले नाइन प्लानिट होते थे और उसमें प्लूटो भी ऐड था प्लूटो नेम का एक और प्लानिट था नाउ इट इज कंसीडर्ड एज डॉर्फ प्लानिट बिकॉज इट्स साइज हैज़ बीन रिड्यूस विद द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन अब क्या है वो डॉर्फ प्लानिट की श्रेणी में आ गया है डॉर्फ मीन्स बॉने प्लानिट की में गिना जाता है क्योंकि उसका दिन पे दिन क्या होता है समय के साथ साथ उसका साइज छोटा होता रहता है किसका प्लूटो का तो अब ये प्लानिट नहीं है ये डॉर्फ प्लानट है और प्लूटो के साथ साथ डॉर्फ प्लानिट और कौन से हैं सीरीज एंड एरिस आपको सभी प्लानिट यहां पर दिख गए होंगे ये सन है सन के बाद ये लाइन से फोर एंड फोर एट हो गए हैं नाउ फोर प्लानिट्स विच आर क्लोजर टू सन आर कॉल्ड इनर प्लानिट जो चार प्लानिट सन के ज्यादा करीब हैं वो भुल, उन्हें बोला जाता है इनर प्लानिट जैसे ये सन है तो इनर प्लानिट कौन कौन से हो गए मर्क्री वीनस अर्थ एंड मार्स दीज आर कॉल्ड रॉकी और टेरिस्ट्रियल प्लानिट्स ये क्या कहलाए है जाते हैं रॉकी और टेरिस्टर प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं क्योंकि ये देखिए यह सन है और सन के पास ही ये चारों प्लानिट हैं तो so इनको रॉकी या स्थलीय प्लानिट कहा जाता है इनर प्लानिट्स को दे आर स्मॉल एंड आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ ये कैसे ये छोटे होते हैं और ऐसे मटेरियल से बने हुए होते हैं जिस मटेरियल से अर्थ मिलकर बना है जिस पर हम रहते हैं दे आर मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स कौन कौन से हैं देखिए मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स ये चारों इनर प्लानिट हैं बिकॉज ये सन के बिल्कुल पास हैं द नेक्स्ट फोर प्लानिट्स आर ज्यूपिटर सैटन यूरिनस एंड नेपच्यून अगले चार प्लानिट हैं ज्यूपिटर सैटन अर्थ और नेपच्यून जुपिटर सैटर्न यूरिनस और नेपच्यून अगले चार प्लानिट हैं दे आर कॉल्ड आउटर प्लानिट्स इन्हें क्या बोला जाता है आउटर प्लानिट्स क्योंकि ये अलग दूर हैं इनसे दे आर आल्सो दे आर नोन एज गैस जाइंट्स इन्हें गैस जाइंट्स भी बोलते हैं दीज प्लान आर मेड अप ऑफ मैनी गैसेज क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैसेस से मिलकर बने हुए हैं अनलाइक द रॉकी प्लानिट्स रॉकी प्लैनेट्स के अलावा ये गैस, गैस प्लान गैसेस से मिलकर बने हुए हैं दीज प्लानिट्स आर फार अवे फ्रॉम द सन ये प्लैनेट्स जो हैं काफी दूर हैं सन के देखिए सन यहां पर है और ये प्लैनेट्स दूर हैं इनसे ठीक है तो ये आउटर प्लैनेट्स हैं ये फोर और ये इनर हैं इधर वाले सो so अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले आता है मरकरी इट इज द क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन बहुत ज़्यादा करीब planet है सबसे ज़्यादा करीब planet है Mercury सन के देखिए आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा ये सन है तो सबसे फर्स्ट प्लानट कौन सा है Mercury, तो इसलिए सबसे क्लोजेस्ट है ओके इट इज़ वेरी हॉट इन डे टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है दिन के समय में क्योंकि सूरज से बिल्कुल करीब है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होना होगा एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है रात के टाइम पर इट डज नॉट एनी मून इसका कोई मून नहीं है ये मरकरी। नंबर सेकंड आ जाता है आपका वीनस वीनस इट इज हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लानिट ये सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा चमकीला प्लानिट है इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार इसको सुबह का तारा और शाम का तारा भी बोला जाता है किसको वीनस को एज इट इज सीन एट डॉन एंड क्योंकि ये सुबह और शाम के टाइम पर देखा जा सकता है इट हैज नो मून इसका भी कोई मून नहीं है वीनस का अर्थ इट इज द थर्ड प्लानिट फ्रॉम द सन अर्थ कौन सा है थर्ड प्लानिट है सन से आपको पिक्चर में एक बार और देख लीजिएगा सन है सन के बाद वन टू थर्ड थर्ड नंबर पर कौन सा प्लानिट है अर्थ तो अर्थ थर्ड नंबर का है से आवर अर्थ इज द ओनली प्लानेट वी है लाइफ एग्जिस्ट हमारा अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लान है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट है जिंदगी निवास करती है जैसे मनुष्य हम रहते हैं इट हैज वन मून अर्थ के पास कितने मून है एक मून है एक चंद्रमा है मार्स इट इज नोन एज द रेड प्लान ये कैसे जाना जाता है रेड प्लान के नाम से लाल प्लान के नाम से इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट क्योंकि ये कवर्ड है रेड डस्ट से रेड कलर की धूल या फिर डस्ट इस पर इससे कवर है सो इट अपियर रेड इन नाइट स्काई तो ये क्या रात को कैसे लगता है रेड कलर का दिखता है स्काई में आसमान पर ज्यूपिटर इट इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लान ये सबसे बड़ा प्लानट है और स्पिन करने में मतलब अपने आप ही ऐसा ऐसे स्पिन करने में सबसे तेज प्लान है इट हैज कलरफुल बैंडस इसकी कलरफुल बैंड्स हैं इट्स अबाउट इलेवन टाइम्स बिगर देन द अर्थ ये लगभग इलेवन टाइम्स बड़ा है Earth से मतलब अर्थ जितना बड़ा है ऐसे ही इलेवन टाइम्स अर्थ को लगा लो ये इतना बड़ा है जुपिटर इट हैज सिक्सटीन मून कितने सेकेंड लार्जेस्ट ये सेकेंड लार्जेस्ट है इट हैज सेवन रिंग्स मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स इसके कितने रिंग्स है सेवन है जो कि छोटे छोटे रॉक्स से मिलकर बने हुए हैं इट हैज एटीन मून इसके कितने मून हैं एटीन यूरेनस इट लुक्स ब्लू ग्रीन बिकॉज इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ लेन गैस इसका कलर जो है यूरेनस का वो ब्लू या ग्रीन सा होता है क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है मेथेन गैस की इट वॉज द फर्स्ट प्लान दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई टेलीस्कोप ये पहला प्लानट था यूरेनस जो टेलीस्कोप से खोजा गया था इट हैज ट बाई फास्ट ब्लोइंग स्ट्रोन उसका जो सरफेस है हमेशा हिट होता है बहुत तेज वाले तूफानी हवाओं से तूफान से इट हैज एट मून कितने मून है इसके एट है नेपच्यून की सो so, यहीं पर ये वीडियो एंड होती है फर्स्ट पार्ट है इसका ये और इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ से आवर ब्यूटीफुल अर्थ हम इसके सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से ओके बाय बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू